मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाऊँ क्या करूँ। ओ माय गॉड, मुझे कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं घर से तो आ गया पर समझ में नहीं आ रहा है। ओ, ये क्या है इतना बड़ा है, ये क्या है इतना बड़ा, आज तक मैंने देखा नहीं। ओ, इसे तो मुझे देखना ही पड़ेगा। मैं जरूर देख के आऊंगा इसको। मेरे से दादाजी चिल्लाए, पापा चिल्लाए, मम्मी चिल्लाए, पर मैं इसको जरूर देख के आऊंगा, जरूर देख के आऊंगा। लेकिन ये रास्ता कितना खराब है, कितना गंदा है, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सांप, बिच्छू, जहाज वहाज, ये वो कुछ भी हो सकता है। पर लेकिन मैं जाऊंगा, मतलब जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। ये बताऊंगा। दादाजी मैंने इतना बड़ा पंखा देखा, इतना बड़ा पंखा, और वो और देखता खतरनाक था कि गड्ढे थे बड़े बड़े, और मेरी बहादुर के किस्से दादाजी मेरी बहादुर के किस्से उनके दोस्तों को सुनाएंगे तो बहुत मजा आएगा। और मेरी दाढ़ी में अगर हवा भरनी होगी तो मैं हवा किसे भरवाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर मैं तो जाऊंगा पंखे के पास जाऊंगा। हाँ, मैं आज जहाँ तक आया तो जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे को दादाजी, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है, इतना बड़ा पंखा चला के कौन छोड़ के चला गया है। मैं दादाजी को क्या बोलूंगा कि हवा कौन ले रहा होगा इस पंखे की, ऐसा कौन पागल गधा मूर्ख होगा इतना बड़ा पंखा चला के चला गया। मैं यहाँ गर्मी लग रही मेरे को, वो पंखे की हवा आई नहीं रही है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जरूर करें। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके, सुके, सुके। अब तो मेल को दादाजी को बोलना पड़ेगा कि कोई इतना वाला पंखा चला के चला गया, वो बिजली फालतू चल रही थी, वो कोई हवा भी नहीं ले रहा था। अब मैं कह जाऊंगा वो दादाजी को बोलूंगा, दादाजी देखो लोग कितनी बिजली मिस्टेक करते हैं। मेरा सबसे निवेदन है कि आप घर में अपना पंखे इतना बड़ा पंखा ना लगाए, वो पंखा लगाए भी सही तो उसको बंद करके रखे। मस्त जोक मारा रे, यहाँ से हल्का ठार। भैया यहाँ तक वीडियो देख लिए तो आप सब्सक्राइब भी कर जाओ। आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के प्लीज सब्सक्राइब करो।